हमारे साथ फैजान सफदर मौजूद हैं, 2012 में जिन्होंने YLC की थी। मुझे सबसे पहले फैजान ये बताइएगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या वो लर्निंग, तीन की लर्निंग थी आपकी जो आपने YLC से सीखी। एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। लाहौर से बाहर जो थी मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी और आई वॉज वन ऑफ द सिक्स गाइज हु वॉज स्पॉन्सर्ड बाई टेलीनॉर, बिकॉज मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ NGO साइट के ऊपर और उस साइट पे एक्टिविज्म थोड़ा सा मैंने लर्न करना शुरू किया था, बिकॉज मैं फैसलाबाद से था, लाहौर गया था। यहाँ पे इतना उस टाइम पीक पे मुझे नज़र नहीं आया था। लाहौर जाके थोड़ी सी दुनिया डिफरेंट मिली तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड फ्रॉम देयर आई गेट टू नो अबाउट YLC के देयर इज दिस ह्यूज कॉन्फ्रेंस दैट हैपेंस इन कराची, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो आई ट्राइड अप्लाइंग फॉर इट। फर्स्ट ईयर 2011 वॉज मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, सो ट्राई टू लर्न दैट। 2012 में आई फाइनली गॉट द चांस। YLC वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, सिक्स डेज विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड हु आर देयर विद अ पैशन टू क्रिएट इट इन टू अ विजन, उसको एक डायरेक्शन देने में। एंड दी आई रिमेंबर काम्बा की वहाँ पे लीडरशिप के ऊपर एक बुक थी, वहाँ पे उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूट की थी एंड इट वाज अमेजिंग। लाइफ की लर्निंग के ऊपर कि किस तरह से जर्नी में स्टेप्स लेने अपने, दिन रात सेशंस होते थे एंड देन यू जब आप उसको हज़म करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों से बात करते हैं, देन यू गेट टू नो अबाउट देयर रियलिटी। सो माई थ्री की लर्निंग्स वॉज फर्स्ट ऑफ दी वॉज दी एम्पैथी, बिकॉज मैंने वहाँ पे लोगों को देखा कि देयर वॉज ए सेशन जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, वो लंगर टाइप का खाना था वहाँ पे दे रहे थे। तो एक शख्स मेरे साथ बैठा था, उसने मुझे कहा कि जितना कीमा मुझे आज इस रोटी में मिला है, ये हम तीन भाई हफ्ते में एक दफ़ा इकट्ठे खाते हैं, हमारे घर में इतना बनता है। सो आई ट्राई टू रियलाइज टू बी थैंकफुल फॉर वट यू हैव। देन आई हैव सीन पीपल जिनके हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े तुरम खान हैं, लेकिन या हमारे पास जो है वो शायद कम नहीं है, हम इतना बढ़ नहीं सकते लाइफ में आगे, देर शुड बी मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो पीपल हु आर डूइंग अ लॉट मोर, बीइंग इन बलूचिस्तान, बीइंग इन मलेर जो थोड़ा सा उस साइड से, हाँ, डिफरेंट इंटीरियर के साइड से, दे वर डूइंग अमेजिंग थिंग्स एंड दैट मेड मी रियलाइज कि अगर ये यहाँ पे अपने करंट सर्कमस्टांसिस में इतना कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास जो है उसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। थर्ड वॉज द इंटरफेथ हारमोनी दैट आई हैव रियलाइज्ड। वहाँ पे हमारे साथ हर मज़हब हर फिक्र का बंदा था, बट इट डज़ नॉट मैटर। जब हम खाना खाते थे तो शीपा का आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे बताया था कि खाना ज़ाया नहीं करना, और वो किसी के प्लेट बचती थी वो उसको इकट्ठा करके ख़ुद बैठ के साथ खाते थे। दिस वॉज अ ग्रेट लर्निंग। वी लुक एट आवर आइडियल्स के पता नहीं वो ये करते हैं नहीं करते, या यू नो कि इतना ऐसे ये स्टैंडर्ड से नीचे चले जाएगी बात, बट देर मेड अस रियलाइज दैट द एथिक्स and the respect towards food and towards each other, this is what matters. तो वो उस चीज़ ने, और उसके बाद ये फ़ायदा हुआ कि अगर मैं उससे आगे बताऊँ अपनी जर्नी में, तो दिस थ्री की पॉइंट्स हेल्प मी इन अ वे कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ के अंदर ब्रेक नहीं लगाना, वट एवर देर इज़ वहाँ से अपने लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। आई वेंट ऑन टू लीड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंसेज इन पाकिस्तान फॉर टू ईयर्स। नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस होती है चाइना डेवलपमेंट एसोसिएशन की, दैट यूज टू हैव 600 पीपल फ्रॉम 135 डिस्ट्रिक्ट, सेम वाइज पॉलिसी डेवलपमेंट के ऊपर बात होती थी। सो आई वेंट ऑन टू लीड इट फॉर द टू टाइम्स। देन उसके बाद आई जॉइंड ऑर्गेनाइजेशन इन कराची, स्टिमुलस प्राइवेट लिमिटेड एज अ कंसल्टेंट, एंड वहाँ से मैंने अपना एक एक्सपीरियंस डेवलप किया जिसमें मैं ऑफ रोडिंग में एरिया में जाता था एंड सी हाउ People are living and they are creating opportunities for themselves. एक बंदा जो कि एक ऑफ ग्रिड एरिया के अंदर बैठ के अपने लिए कंप्यूटर और यूट्यूब और इंटरनेट का इंतजाम कर सकता है, हाउ इज डूइंग इट, दैट वॉज अमेजिंग। एंड देन लाइफ वॉज नॉट द सेम एनी मोर। सो मैंने लाइफ में वो ख्वाब देखने शुरू किए जो पहले मैं नहीं देखता था। लाइक फॉर इंस्टेंस आई नेवर थिंक ऑफ माई सेल्फ केपेबल कि मैं कभी पाकिस्तान में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, या कभी मुझे एडमिशन भी मिलेगा। बट आई वेंट ऑन इन टू IBA कराची, वहाँ से करके नाउ आई एम वर्किंग एज अ रीजनल एरिया मैनेजर इन टोयोटा इंडस मोटर कंपनी। वाओ, जबरदस्त, व्हाट अ अमेजिंग स्टोरी। पंजाब और साउथ पंजाब की पूरी मार्केट देख रहा हूँ। सो मुझे लाइफ में एक चीज़ समझ में आई
एक तो ये कि ब्रेक नहीं लगानी, एक तो ये कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, और तीसरा ये कि अपने आप को कम नहीं समझना, मतलब अप्रिशिएट व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू और उसको यूटिलाइज करें. इफ़ वी आर थिंकिंग दैट वी आर नॉट कैपेबल, वी आर बेसिकली बींग अनथैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस. एंड वही कहते हैं ना, इंसान की अजमत का राज ना अल्लाह ताला ने पहाड़ों और ज़मीन के अंदर नहीं छुपाया, खुद इंसान के अंदर छुपा दिया. कि आपको, आप इधर उधर तो ढूंढते हो, खुद अपने अंदर झांक के देखने का वो एक मिसिंग है. मैंने बहुत सारे सवाल करने थे, आपने अपने मेरे एक ही सवाल भी अपने सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ पूछना चाहूँगा. बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और आप, हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो स्टेजेस आते हैं, कुछ ऐसा वक्त आता है कि हम मुश्किलात में, हमें यूँ लगता है कि हम फंस जाएंगे, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जो YLC से लर्निंग थी, जो आपने ये सारी चीज़ें बताई, कि किस तरह से आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, लोग अगर इतनी कम जो है वसूलियात में भी इतना कुछ कर सकते हैं, तो वो कितना मदद करती है उस वक्त से निकलने में जब आप मुश्किल में होते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ ना मैंने बहुत लोगों के पास कम देखी हैं. आई वॉज इन IBA और मैं देखता था कि सिंध में छाछड़ो मिट्टी यहाँ से लड़के आते थे पढ़ने के लिए, एंड देन दे आर टेकिंग स्कॉलरशिप्स टू अमेरिका. आई थॉट कि यार असल राज क्या है, असल अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है या असल अंडरस्टैंडिंग का मसला है? सही, अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने पोटेंशियल को बाउंड किया होता है चीज़ों के साथ. ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, ये इंटरनेट नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता. बट देर आर पीपल हु आर स्टिल डूइंग एवरीथिंग. देर वर पीपल हु अचीव्ड इवन ग्रेटर हाइट्स ऑफ ग्रेटनेस देन अस. उस ज़माने में ना इंटरनेट था ना टेलीफोन था. सही, ठीक है. डर लगता है कभी कभी. एक और मैंने चीज़ देखी है, कभी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपके पास चीज़ें भी मौजूद होती हैं, बट आप डर जाते हैं. एंड आई हर्ड इट समवेयर कि डर सिर्फ नाकामी का नहीं होता, डर कामयाबी का भी होता है. बिल्कुल ऐसे. आई रिमेंबर आई वॉज आस्क टू स्टैंड इन यूनिवर्सिटी इलेक्शंस फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन IBA एंड आई गॉट स्केयर्ड. आई वॉज सो स्केयर्ड कि मैं दो दिन कमरे से नहीं निकला. और दैट स्टेटमेंट आई रेड वॉज कैसर अब्बास बुक, शाबाश तुम कर सकते हो. एंड आई हैड दिस बुक इन फ्रंट ऑफ मी. आई सेड कि ठीक है यार, यहाँ से देखता हूँ कैसर भाई ने क्या बात की है. स्टार्टेड रीडिंग इट और वहाँ पर ये वर्ड लिखा था कि डर सिर्फ नाकामी का नहीं होता, डर कामयाबी का भी होता है. लेकिन अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आप उधर ही रुके रह जाओगे. सो यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. सो आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ. आई वेंट ऑन टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ IBA मार्केटिंग क्लब. I went on to organize the first student-led conference on CPEC business conference that has all the top executives of CPEC project. Wow. Had the opportunity to work with Dr. Ishrat Hussain directly and Mr. Saleem Raza, who were the past governors of State Bank of Pakistan. And that made me realize ke agar main ye step nahi leta, agar main apne dar ke aage ghutne tek deta, तो शायद मेरे पास लाइफ में करने के लिए वो ना होता जो मैं कर चुका हूँ. एंड देन एक दिन देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैपेंड दैट आई सेड विद वन ऑफ माय एल्डर्स. मैं बड़ों के साथ ज़्यादा बैठता हूँ बिकॉज उनकी लाइफ से लेसन्स जो मिलते हैं वो अपनी करंट लाइफ की जर्नी के अंदर हेल्प करते हैं. सो आई ऑलवेज हर्ड देम समबडी सेइंग कि यार काश मैं ये कर लेता, काश मेरे लाइफ में वो किया होता. एंड आई थॉट कि यार क्या मैं भी 60-70 की जिंदगी में बैठ के अपने काश गिनवा रहा हूँ अपने आप को या अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वुड हैव सेड के आई वुड लाइक टू से आई हैव डन दैट बट आई फेल्ड बट आई हैव डन दैट. ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि नाकामी मुझे कामयाब होने का तरीका सिखाएगी. अगर मैं नाकाम नहीं हूँगा तो कभी कामयाब नहीं हूँगा. वो किसी ने कहा है ना, जो खो नहीं सकता वो हासिल कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल. तो दीज वर द की लर्निंग्स. और अच्छी बात ये थी YLC में कि देवर ऑल एज ग्रुप अवेलेबल. वहाँ पे हमारे जो मेंटोर्स थे वो हमसे थोड़े बड़े भी थे, उनको देख के इंस्पायरेशन मिलती थी कि यार दे आर आवर ग्रुप लीडर्स एंड दे आर गाइडिंग अस, सो वी शुड बी लाइक देम. दैट्स द नेक्स्ट स्टेज वी नीड टू अचीव. एंड देवर ट्रेनर्स. आई रिमेंबर द वन ऑफ द ट्रेनर्स एन गोपलानी वेंट ऑन टू बिकम अ कोलीग एज वेल फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट ही joined in the same organization that I was in. So
जहन को देख के मैं हमेशा सोचता था यार इतनी यंग में एज में बंदा वाईएलसी के अंदर जो है वो ट्रेनर है, पूरा एक सेशन दे रहा, वाज इट हैपनिंग? सो आई नीड टू अचीव दैट गोल. एंड उसके बाद ये हुआ कि देन आई वेंट इन टू बिकम ट्रेनिंग्स डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर. 3,500 स्टूडेंट्स आई हैव ट्रेन नेशन वाइड. अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई नो कि आपकी जो जर्नी है वो बड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वी हैव टू फॉलो द टाइम. थैंक यू सो मच. इट वॉज ऑलवेज अ प्लेयर टू बिकम अ वाईएलसी एंड इट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट बैज ऑन द शो ऑन माई चेस्ट. एंड आई सर्टनली इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि मुझे पता लगा कि कांबा आ रहे हैं फैसलाबाद में, वी आर गेटिंग टुगेदर और मैं काफ़ी सालों के बाद इकट्ठा हो रहा हूँ सबके साथ. तो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू कांबा.